नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, मिशन लाइफ पर्यावरण दिवस, दोस्तों आपको पता ही होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों मिशन लाइफ जो है लॉन्च किया गया है, इसके लिए दोस्तों वॉलेंटियर्स की जो है भर्ती की जा रही है। तो वॉलेंटियर्स की भर्ती जो की जा रही है, उसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है वो आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसकी पात्रता नियम एवं शर्तें भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। सारी जानकारी दोस्तों टोटल रहेगी। आप कल इसकी अंतिम तिथि है 30 मई 2023, तो आप घर बैठे दोस्तों अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आसानी से सिंपल से डिटेल्स भरकर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत फ़ायदे भी रहेंगे दोस्तों इसमें। जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको TADA मिलेगा, खाने पीने का भी मिलेगा, मतलब भोजन भी मुफ्त है। उसके बाद आना जाना का भी आपको जो है अमाउंट दिया जाएगा, और प्रशिक्षण भी मिलेगा जिससे कि आप ग्रामीण स्तर पर जमीनी स्तर पर कार्य अच्छे से कर सके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हैं, प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों हर ज़िले से जो है 35 वॉलेंटियर्स की भर्ती की जा रही है, और 7 थीम है। तो प्रत्येक थीम पर, एक थीम पर जो है 5 लोग रहेंगे प्रत्येक ज़िले से जो कार्य करेंगे। तो आप दोस्तों अच्छी, बहुत ही अच्छा आपको मौका है, जैसे कि आप सभी, हम सभी जो है पर्यावरण के प्रति कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। तो दोस्तों अब योगदान देने का समय आ चुका है। आप आसानी से जो है ये फॉर्म भरकर फिलअप करें, जिससे कि आप भी पर्यावरण जागरूकता के संबंध में अपना योगदान प्रदान कर सके, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं आपको योजना के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद किस तरह से ऑनलाइन आवेदन हम कर सकें वो भी बताऊंगा। तो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक स्टेप जरूरी है, पूरा एक एक कार्य हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले आपको दिखा देता हूँ योजना के बारे में क्या है, और टर्म्स एंड कंडीशन भी। तो दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2023 को भोपाल में आयोजित युवा महापंचायत में व्यक्त किए गए संकल्प बिंदु क्रमांक 17 लाइफ, LIFE लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है। तो मिशन लाइफ है दोस्तों LIFE लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली हेतु युवा नेतृत्व विकास के तारतम्य में यूथ फॉर लाइफ प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 5 जून 2023 से आरंभ किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले से 35 युवा लाइफ वॉलेंटियर्स, मतलब प्रत्येक जिले से, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 35 लोग रहेंगे, 35 युवा लाइफ वॉलेंटियर्स की भर्ती होगी। तो का चयन किया जाकर उन्हें EPCO द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जो EPCO में आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इनके द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। युवा लाइफ वॉलेंटियर्स हेतु आवेदन प्रस्तुत करने तथा चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी EPCO की वेबसाइट www.epco.mp.gov.in पर उपलब्ध है। जिला कलेक्टर द्वारा अपने जिले में विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार अपेक्षित है, ताकि रुचि रखने वाले युवाओं द्वारा अंतिम तिथि दिनांक, पहले 25 मई थी, अब जो हो गई है 30 मई हो गई है, तो आप कल तक आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसलिए मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि आज ही बैठ के आप आवेदन कर दें। तो इसकी लास्ट डेट जो है 30 मई 2023 हो गई है, तो 30 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रत्येक जिले से 35 युवा लाइव वॉलेंटियर्स का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है दोस्तों, और मैं आपको इसके टर्म्स एंड कंडीशन दिखा देता हूँ जल्दी से जल्दी, और फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना भी बता दूंगा, एक हितग्राही का बताकर, एक आवेदक का बताकर आपको ऑनलाइन भी बता दूंगा। तो लाइव मिशन लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, इस तरह से 75 आजादी का अमृत महोत्सव, यूथ फॉर लाइफ, लाइव वॉलेंटियर्स के लिए के आवेदन हेतु नियम एवं प्रक्रिया, यह भी ध्यान से देखिएगा। परिचय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान ग्लासगो में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विश्व के सामने जीवन शैली में बदलाव हेतु मिशन लाइफ, ठीक है, इसका पूरा मतलब क्या है, मिशन लाइफ, ठीक है। तो लाइव का प्रस्ताव एक समाधान रूप में देख रखा था। इसके पश्चात अक्टूबर 2022 में केवड़िया गुजरात में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में मिशन लाइव का ग्लोबल लॉन्च किया गया। मिशन लाइव का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन लाकर पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करना तथा सामान्य जनों को उनके दैनिक जीवन में पर्यावरण हितैषी
बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करना है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती के समाधान में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को आयोजित युवा महापंचायत में व्यक्त किए गए संकल्प बिंदु क्रमांक 17 लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली हेतु युवा नेतृत्व विकास के तारतम्य में यूथ फॉर लाइफ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में आरंभ किया जा रहा है। युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में लाइफ वॉलंटियर स्वयंसेवी का चयन किया जाकर उन्हें मिशन लाइफ की निम्नानुसार 7 थीम पर प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी 7 थीम रहेंगी वो देख लेते हैं। पहला है ऊर्जा की बचत एवं नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा की बचत करना और नवकरणीय ऊर्जा जो नई ऊर्जा बना सकते हैं उसका उपयोग करना, जल की बचत एवं संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करना, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, ठीक है, हतोत्साहित करना, घरेलू कचरे में कमी लाना, स्वच्छता संबंधी कार्य, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, सतत एवं शाश्वत भोजन पद्धति को बढ़ावा देना, और ई वेस्ट जिसमें मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट का उचित निष्पादन, उनका सही तरीके से जो है उनको डिस्पोज कर सकें, निष्पादन कर सकें वो। तो ये 7 थीम है, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अहर्ताएं क्या क्या हैं ये मैं दिखा देता हूँ। लाइफ वॉलंटियर स्वयंसेवी के लिए आवेदन करने तो निम्नलिखित अहर्ताएं आवश्यक हैं। पहला, आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, आवेदक की आयु दिनांक 1/6/2023 मतलब 1 जून 2023 को अधिकतम 29 वर्ष होना चाहिए। तो 29 वर्ष तक जो है आवेदक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, 1/6/2023 को माना जाएगा 29 वर्ष का, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, कम से कम आपका ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए किसी भी विषय में, ठीक है, स्नातक जरूर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसी होगी ये बता देता हूँ। आवेदन हेतु पंजीयन एवं निर्देशिका हेतु ये आपको जो मैंने वेबसाइट बता रहा हूँ इस पर सभी उपलब्ध है। इसके बाद और भी वेबसाइट्स के नाम दिए एवं अन्य शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वविवरण, शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी दी जाना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 मई 2023 है, जो पहले 25 मई थी अब 30 मई 2023 मतलब आज 29 मई है, कल लास्ट डेट है, पिछले मैं आज बता भी रहा हूँ, तो आप आज ही लग जाएं, बिल्कुल जल्दी से फॉर्म भराया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फॉर्म भरकर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई 2023 है। प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की जिलेवार सूची संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। तो प्रदेश के प्रत्येक जिले से प्राप्त आवेदनों की जिलेवार सूची संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी। संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा योग्य आवेदकों का चयन कर चयन सूची कार्यपालन संचालक एप्को को प्रेषित की जाएगी। एप्को मतलब ये epco.mp.gov.in एप्को को प्रेषित की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदनों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स अपने जिले के ऐसे युवाओं को जो पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं को भी अपने स्वविवेक से नामांकित कर सकते हैं। मतलब कोई यदि ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका भी जो है आवेदन ले लें और ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन से यह है कि पूरा मॉनिटरिंग जो है ट्रांसपेरेंट रहेगी और ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ऐसे हम भी कर सकते हैं, जैसे पंचायत सचिव महोदय, GRS महोदय है ना, ग्राम पंचायत लेवल पर भी, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आवेदन ले लें और उनकी जानकारी ले लें और ऑनलाइन आवेदन कर दें, ठीक है। तो इस तरह से यह है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से अधिकतम कुल 35, 7 मिशन लाइफ थीम से प्रत्येक थीम हेतु 5, मतलब जैसे 7 थीम बताई मैंने तो एक थीम पे जो है 5 लोग का सिलेक्शन होगा प्रत्येक जिले से, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से अधिकतम कुल 35 मतलब 35 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। इसमें से 7 जो मिशन लाइफ थीम है तो प्रत्येक थीम हेतु 5 वॉलंटियर्स रहेंगे, एक थीम पे 5 लोग काम करेंगे प्रत्येक जिले में, ठीक है। तो ऐसे 35 लोग हो जाएंगे 7 थीम के लिए, ठीक है। तो लाइव वॉलंटियर चयनित किए जाएंगे। जिला स्तर पर चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यथासंभव शहरी ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिला पुरुष प्रतिभागियों को का संतुलन बना रहे, सबका संतुलन बना रहना चाहिए, शहरी भी ग्रामीण क्षेत्र के भी होना चाहिए, महिला पुरुष सभी होना चाहिए, ठीक है। सामान्य नियमावली देख ले हम, बहुत जरूरी है। तो पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है एवं चयनित लाइफ वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूर्णतः निःशुल्क है, ठीक है। पंजीयन भी पूर्णतः निःशुल्क है और जो चयनित लाइव वॉलंटियर्स रहेंगे उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम भी पूर्णतः निःशुल्क है। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागी को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की निश्चित राशि ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभागी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान भोजन और ठहरने की व्यवस्था एप को अथवा आयोजक
संस्था द्वारा की जाएगी। मतलब और क्या लाभ है, परीक्षण में जितने भी प्रतिभागी उपस्थित रहेंगे उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा, टीएडीए दिया जाएगा, हम देने भत्ते की निश्चित राशि ऑनलाइन माध्यम सीधे अकाउंट में दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगियों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण दौरान भोजन और ठहरने की व्यवस्था एप्को द्वारा अथवा आयोजक संस्था द्वारा की जाएगी। ठीक है, यह भी है, भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम का स्थान, समय एवं तिथि की सूचना जिला प्रशासन व चयनित प्रतिभागियों को उनकी ईमेल तथा व्हाट्सएप नंबर पृथक से दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ईमेल और व्हाट्सएप भी जरूरी है, तो आप ईमेल और व्हाट्सएप नंबर, अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, उस पर जानकारी भी दी जाएगी पृथक रूप से। चयनित लाइव वॉलेंटियर्स के लिए मिशन लाइव के सिद्धांतों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को पर्यावरण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जितने भी चयनित लाइव वॉलेंटियर्स रहेंगे उनके लिए मिशन लाइव के सिद्धांतों पर, जो हमारे सात सिद्धांत देख रहे हैं, एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को, जो एप्को है, इनके द्वारा पर्यावरण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा। अब लाइव वॉलेंटियर्स को पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभवी एवं विषय के निष्णात प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो कि प्रमाण पत्र भी मिलेंगे। लाइफ वॉलेंटियर्स को किसी प्रकार का भी वेतन और मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। ठीक है, टीएडीए, खाना पीना सब तो रहेगा और निःशुल्क ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन अभी इस समय लाइव वॉलेंटियर्स को किसी प्रकार का वेतन या मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। किसी विवाद संशय अथवा अस्पष्टता की स्थिति में कार्यपालन संचालक एप्को भोपाल का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। विशेष यह स्पष्ट किया जाता है कि यूथ फॉर लाइफ कोई रोजगार मूलक या आजीविका संबंधी कार्यक्रम नहीं है। जो युवा साथी स्वेच्छा से समाज में पर्यावरण के प्रति जन चेतना लाने में योगदान देना चाहते हैं तथा स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर परिवर्तन के वाहक की भूमिका निर्वहन करना चाहते हैं, उन युवाओं के प्रबोधन हेतु यह प्रशिक्षण का प्रकल्प मात्र है। दोस्तों बहुत अच्छा है, जन सेवा करने का मौका भी मिल रहा है और पर्यावरण सेवा, जिसका हम डेली कुछ ना कुछ हम कॉलेज में, कहीं भी, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पर्यावरण जागरूकता की बात करते रहते हैं, तो अब ये मौका आया है कि आप भी इसमें सहभागिता अपनी दिखाएं, इसमें सम्मिलित हों और स्वेच्छा से सम्मिलित हों। ठीक है, पर्यावरण के प्रति जन चेतना लाएं, उसमें अपना योगदान दें, तो आपको भी एक गर्व की फीलिंग आएगी कि हमने भी पर्यावरण के संबंध में बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें और ऑनलाइन आवेदन करें। तो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर भी, ये वीडियो में से इसको स्कैन कर भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या जो लिंक है epcu.mp.gov.in, यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ इसको डायरेक्ट आप देखकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ आपको ये ओपन क्या करना है, गूगल सर्च या ब्राउजर के URL में डालना है epcu.mp.gov.in, epcu.mp.gov.in, इस तरह से डालना है। तो आपके समक्ष ये EPCO का फुल फॉर्म ही है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है EPCO का फुल फॉर्म? इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, आप इसमें कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं और भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताते रहूँगा। अभी मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये पोर्टल ओपन कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ से एक लिंक आ रही है, ये देखिए यहाँ आ रहा है लिंक, लाइफ वॉलेंटियर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंडेड डेट 30 मई 2023 हो गई है, न्यू करके लिखा आ रहा है, तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना। डायरेक्ट आप तो यहीं से क्लिक कर दें, तो एक तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो न्यू विंडो ओपन होगी और इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक नहीं करना तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, लाइव वॉलेंटियर्स, इस पर भी ऐसे क्लिक करेंगे तो आवेदन का फॉर्मेट यहां से भी यही वाला ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहां ओपन हो गया है, तो अब जो मैंने आपको नियम और शर्तें दिखाई वो आप सीधे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिखा है, क्लिक द लिंक बिलो टू गेट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लाइव वॉलेंटियर, लाइव स्वयंसेवी के आवेदन हेतु नियम और शर्तें प्राप्त करने के लिए नीचे दे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहां से करेंगे तो जो मैंने आपको अभी दिखाई है वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको जो है यहाँ से दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद क्लिक द लिंक बिलो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर लाइफ वॉलंटियर अंडर यूथ फॉर लाइफ कैंपियन यूथ फॉर लाइफ अभियान के तहत लाइफ स्वयंसेवी। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जो हम आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो बहुत सरल प्रोसेस मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा तो कोई गलती नहीं होगी, आप आसानी से फिलअप कर सकेंगे। तो यहाँ मैं क्लिक करने जा रहा हूँ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल एनवायरमेंट, यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक हियर। जैसे क्लिक किया दोस्तों, तो अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आवेदन फॉर्म ये देखिए, ये आ गया EPCO एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ मिशन लाइफ यूथ फॉर लाइफ लाइफ वॉलंटियर फॉर्म। अब दोस्तों ये फॉर्म को आप सीधे पहले प्रिंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जितने लोगों की भरवाना है या जितने लोगों को भरना है तो जानकारी पहले ही आप प्रिंट भी करके देख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, तो ये देखिए वही आवेदन फॉर्म जो हम ऑनलाइन देख रहे थे, वही PDF रूप में यहाँ पर हमारे सामने सेव हो जाएगा, या फिर हम सीधे प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरी डिटेल जो हमें फिलअप करनी है, पहले ही हम ऑफलाइन भी फिलअप करके रख सकते हैं और फिर इसी को ऑनलाइन फिलअप कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि पूरी मॉनिटरिंग जो है ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं फिर आवेदन फॉर्म पर। हमने क्लिक हियर किया यहाँ से, ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद जैसे अभी मैंने आपको प्रिंट करना दिखा दिया, अब हम देखते हैं लाइफ यूथ फॉर लाइफ लाइव वॉलंटियर फॉर्म ऑनलाइन भरकर। मैं आपको एक आवेदक का बताता हूँ, पर्सनल डिटेल्स व्यक्तिगत विवरण ईमेल आईडी डालना हमें यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको फॉर्म भरना सीधे दिखाने जा रहा हूँ। तो लाइव वॉलंटियर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है हमें भरना है, वो सीधे मैं आपको अब भर के पूरा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप दिखाऊंगा आपको। कहाँ यहाँ क्लिक करना है, क्लिक द लिंक बिलो फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द लाइव वॉलंटियर अंडर यूथ फॉर लाइफ कैंपियन, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, लाइव यूथ फॉर लाइफ लाइव वॉलंटियर फॉर्म, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल व्यक्तिगत डिटेल्स ईमेल आईडी जरूर डालना है, क्योंकि लाल कलर का जो ये एस्ट्रिक लगा स्टार, मतलब ये कंपलसरी है। नेम जरूर लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, है ना। इसी तरह जेंडर भी जरूर डालना है आपको। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ ये डालना, जैसे ही आप करोगे तो आपके समक्ष टेबल आ जाएगा, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। जो भी ईयर है 29 साल से कम होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, डेट इस तरह सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यदि आप 29 साल से ज़्यादा का डालेंगे तो मेरे ख्याल से लेगा भी नहीं, देखिए 1998 तक ही ले रहा है, 1 फरवरी 1998, क्योंकि उसके 1998 के नीचे कोई है, मतलब वो जो है 29 साल से ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक वो ले रहा है ना, 1998 के नीचे 88 तक जा रहा है दोस्तों, 1988 तक। अब देखते हैं 1988 तक आ रहा है कि नहीं, तो 1988 एज शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 29 ईयर्स एज ऑन डेट 1 जून 2023, आयु दिनांक 1 जून 2023 को 29 वर्ष से कम अथवा इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये ले रहा है कहाँ तक, जैसे हम 1988 पर भी क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो उसके बाद ये 1998 ही लेगा, मतलब 1 फरवरी 1998 के बाद जो जन्म लिया है जिन्होंने, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 फरवरी 1998 के बाद वाले आवेदक, ठीक है, इसके पहले वाले नहीं आवेदन कर सकते, क्योंकि 29 वर्ष से कम या बराबर होनी चाहिए 1 जून 2023 को, तो इसके बाद वाले ही कर पाएंगे अप्लाई। डोमिसाइल आपको यस करना ही है, रेसिडेंस आपका देख लें रूरल ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन नगरी क्षेत्र में, तो वो क्लिक कर लें। इसका आपका पता लिख दें, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपके ज़िला जरूर सेलेक्ट कर लें, जिले के बाद आपका व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिखे, सब कंपलसरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंपलसरी है, आपको ग्रेजुएशन पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन है कि नहीं, तो यस पर क्लिक करना है। ग्रेजुएशन स्नातक विषय कौन सा विषय में आपने किया है, तो वो आपको करना पड़ेगा, यहाँ कई सारे विषय हैं, तो आपने जिस भी विषय में किया है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। साइंस इंजीनियरिंग है ना, कंप्यूटर साइंस, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है, अदर है तो अदर पर क्लिक कर दे, अदर लिखा है तो फिर उसका यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी, है ना। मान लीजिए बीए है तो बीए उधर नहीं लिखा हुआ, इधर देना, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा। अदर क्वालिफिकेशन यदि कुछ है तो आप कर सकते हैं, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो यहाँ क्लिक कर दें, MPhil PhD अदर कुछ है, यदि नहीं है तो इसको नॉन सेलेक्टेड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जरूर कर लें। इसके बाद यदि कोई सा एक्सपीरियंस है आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस है, व्यवसायिक कार्य अनुभव यदि कोई हो तो वो आप लिख दें। इसके नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवधि वर्षों और महीनों में, पदनाम लिख दें, किस पद पे किया, रोल भूमिका क्या थी आपकी वो लिख दें, ये कंपलसरी ये वाला ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ मार्क द थीमेटिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो 7 थीम है उस पर आपको यहाँ पर सलेक्शन करना है, किस
किस पे आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, सेव एनर्जी, सेव वाटर्स, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, रिड्यूस वेस्ट, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, रिड्यूस ई वेस्ट। और यदि सब पर ही आप करना चाहते हैं तो सीधे सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें, तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये माय मोटिवेशनल टू बिकम लाइफ वॉलेंटियर, लाइफ स्वयंसेवी बनने के लिए मेरी प्रेरणा, तो इन सभी पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा कि आई हैव एन एजुकेशन बैकग्राउंड इन्वायरमेंट साइंस, हैव हैंस इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग मोर अपॉर्चुनिटी इन दिस एरिया, मेरी पर्यावरण विज्ञान में शैक्षिक पृष्ठभूमि है इसलिए क्षेत्र में अधिक अवसर तलाश में रुचि है, ठीक है, अपने क्षेत्र अंचल को पर्यावरण के अनुकूल बनाने उसमें बदलाव लाने में मेरी अभिरुचि, कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये नहीं है तो पर्यावरण विज्ञान में नहीं है तो इसको रहने दें, ये है तो इस पर कर दें, आई हैव पास्ट एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, मेरे पर्यावरण क्षेत्र में काम करने पुराना अनुभव है तो इस पर रहने दें, माई लोकेलिटी इन फेसिंग सीरियस इन्वायरमेंट इश्यूज एंड आई सीक सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मेरा क्षेत्र अंचल गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे का सामना कर रहा है और मैं इन समस्याओं का सामना करने हिस्सा बनना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर दें, आई हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन बींग द एजेंट ऑफ चेंज इन माई लोकेलिटी डिस्ट्रिक्ट, मुझे अपने क्षेत्र अंचल जिले में जीवन शैली परिवर्तन के वाहक बनने में रुचि है। डिस्क्लेमर घोषणा, इसको भी क्लिक करना, आई हियर बाय जो है अफर्म दैट द अबोव फील्ड इन्फॉर्मेशन इज ड्यू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड आई सब्जेक्ट माई सेल्फ डिसिप्लिनरी एक्शन इन द इवेंट दैट द अबोव डिटेल्स आर फाउंड टू बी फॉल्सिफाइड, मैं इतना द्वारा पुष्टि कर कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञानानुसार सही है और उपरोक्त विवरण गलत पाए जाने की स्थिति में स्वयं उत्तरदायी रहूँगा या रहूँगी, इस तरह सबमिट करना है। तो मैं एक हितग्राही का जो एक आवेदक का जो है पूरी डिटेल डालता हूँ और फिर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम सीधे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सारी फिलअप कर लें आप, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने दोस्तों इस तरह से मैसेज आ जाएगा, योर यूथ वॉलंटियर फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, काइंडली नोट द रेफरेंस आईडी फॉर यूर फ्यूचर रेफरेंस, यूर रेफरेंस आईडी ये रहेगा यूथ और आपकी रेफरेंस आईडी रहेगी थैंक्स कर, इस तरह से मैसेज आ जाएगा। तो ये आप रेफरेंस आईडी जरूर संभाल के रखें क्योंकि आगे आपको काम आएगा, ये यूर यूथ वॉलंटियर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, काइंडली नोट द रेफरेंस आईडी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस आईडी भी आपकी रहेगी, इस तरह से आप इसको क्लोज कर दें, यहाँ भी आपको जो है रेफरेंस आईडी दिखेगी, ठीक है, इस तरह से जो अभी हमने देखा ये यहाँ दिखेगी, तो ये जरूर आप जो है नोट कर रख लें, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पूरा फॉर्म फिलअप करना है, आप सभी फिलअप करके रख लें, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आप फटाफट अपने मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं, मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं epco.mp.gov.in और कंप्यूटर लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं और फटाफट आपके फॉर्म भर लें दोस्तों, क्योंकि कल आखिरी तारीख है 30 मई 2023 को, तो जितने ज़्यादा आप सभी भर सकें जिले से, अपने ग्राम पंचायत नगरी निकाय सभी से आप ज़रूर भर लें, ठीक है। और दोस्तों और भी कोई इसके संबंध में नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो इन सभी छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रही है, आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।